Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Ansari and you are watching Hasan Vlogs. Guys, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कृपा में volunteer selection कैसे हुआ था, ये selection होने में कितना time लगा और कितना process था इस selection के लेकर। ये actually start हुआ था इसी साल मार्च में, इसका form open हुआ था, online form भरना था। मैंने online form भर के submit किया था। उसके बाद इसका टोटल 8 स्टेप है, ये सिलेक्शन इसका प्रोसेस कंप्लीट होने में 8 स्टेप है टोटल। और फर्स्ट स्टेप था ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट करना है आप लोगों को। तो मैंने किया था ये मार्च में, आई थिंक मार्च में मैंने जब फॉर्म सबमिट किया तो उसका दो महीने के बाद या एक दो महीने के बाद मेरे को एक सेकेंड स्टेप में एक गेम, ऑनलाइन गेम खिलाया गया था। उसका नाम था गेमिफाइड असेसमेंट, ऑनलाइन गेमिफाइड असेसमेंट उसका नाम था। जो मैंने गेम खेला था वो ऑनलाइन, उसमें क्या वो लोग मतलब आपका आईक्यू लेवल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितना जल्दी रिएक्ट करते हो किसी चीज को देख के, उसके बारे में वो लोग मतलब वो गेम खिलाया था। और थोड़ा क्वेश्चन था कि आप कैसे रिएक्ट करोगे क्राउड को देखकर, आप वीआईपी आदमी से कैसे बात करोगे, ये सब क्वेश्चन था। थोड़ा आपको पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए वो गेम खिलाया गया था कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप कैसा इंसान है, वो पर्सनालिटी आपको टेस्ट करने के लिए वो गेम खिलाया गया था। उसके बाद थर्ड स्टेप था उसका इंटरव्यू, जो फाइनल स्टेप था सिलेक्शन के लिए। और वो गेमिफाइड असेसमेंट खेलने के बाद, गेम कंप्लीट होने के बाद ही वो लोग एक मेल किया था कि यू कैन चूज योर डेट फॉर द इंटरव्यू। तो मैंने वो डेट चूज किया था कि मेरा इंटरव्यू कब होगा। तो मैंने शायद आफ्टर वन वीक का इंटरव्यू डेट लिया था अपॉइंटमेंट, और मैं जाकर वहां पे इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू वो लोग नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, कोई आपका प्रोफेशनल मतलब एकदम पर्सनल नहीं, चाहे कोई टेक्निकल क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछा था। वो लोग पूछा था नॉर्मल कि आप कहाँ से हो, आप यहाँ पे क्या करते हो, कितने साल से हो, आपका पास कोई वॉलंटियर का एक्सपीरियंस है कि नहीं, और आप फुटबॉल के कितने बड़े फैन हो, ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने तो सब क्वेश्चन बताया था, लेकिन जब वो पूछा कि फीफा का आप कितना बड़े वॉलंटियर, फीफा का फुटबॉल यानी फुटबॉल का कितना बड़ा फैन हो, तो मैं उसमें थोड़ा फंबल हो गया था, नहीं बोल पाया था थोड़ा अच्छा से, क्योंकि मैं फुटबॉल का ज्यादा फैन नहीं हूँ, फुटबॉल ज्यादा खेलता नहीं हूँ ना देखता हूँ। उसके बाद उस इंटरव्यू देने के दो महीने के बाद मेरे को मेल आया कि कंग्रेचुलेशन, आपके आप फीफा की तरफ से आपको रोल ऑफर हुआ है एज ए वॉलंटियर। और मेरा रोल था स्पेशल इवेंट वॉलंटियर, जो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है यहाँ पे, कंग्रेचुलेशन हसन फ्रॉम यू हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर द फीफा वॉलंटियर 2002, आपका रोल ये है स्पेशल इवेंट वॉलंटियर। और मेरे को अलखोर में एक स्टेडियम है, न्यू स्टेडियम, ये भी नया स्टेडियम है, उसका नाम है अलबैत स्टेडियम। और वहां पे मेरे को असाइन किया गया है, और इस तरह से इसमें सिलेक्शन हुआ। और कल सितंबर 2 है, इसका एक ओरिएंटेशन इवेंट होने वाला है, यानी जितना भी सिलेक्टेड 20,000 वॉलंटियर का सिलेक्शन हुआ है इसमें, तो उन सब लोगों के लिए एक वेलकम प्रोग्राम है लुसेल स्टेडियम में, जहाँ लुसेल स्टेडियम वर्ल्ड कप का फाइनल वेन्यू है, वहाँ पे फाइनल मैच खेला जाएगा, उसका कैपेसिटी 80,000 है। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि इसमें लगभग 4.5 लाख मतलब आदमी लोग इसमें अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था, लेकिन 65 टू 70,000 पीपल हैव गिवन इंटरव्यू, मतलब 70,000 जितना इंटरव्यू लेता है, आउट ऑफ 70,000 दे सिलेक्टेड ओनली 20,000 पीपल। फंक्शन हो गया, कल मेल आज मेल भी आया है, हम लोग को कल जाना है, कल सितंबर 2 है, कल जाना है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, वेलकम प्रोग्राम है, और वहां पे देखते हैं क्या क्या होता है, कौन सा गेस्ट आएगा। गेस्ट तो एक पक्का है, फीफा का प्रेसिडेंट गियानो इन्फांटिनो, वो तो आएगा ही आएगा लाजिम। और देखते हैं बड़ा कौन कौन सा फुटबॉल आ रहा है, और